हेलो स्टूडेंट, हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक पढ़ा था, तो अब हम आपको सातवां क्वेश्चन बता रहे हैं। सातवां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में से 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से एक दिया है और अन्य दो अनुपात ज्ञात करना है। तो साइन ए दिया है तो हमें कॉस और टैन ए ज्ञात करना है। देखिए, तीन त्रिकोणमितीय अनुपात मतलब है कि साइन कॉस टैन। हो सकता है कि साइन दे के कॉस टैन पूछे, कॉस दे के टैन और साइन पूछे, टैन दे के साइन कॉस पूछे। तो यहाँ पे दिया है साइन ए, तो हम इसको देखते हैं। साइन ए बराबर 1/11 है। तो साइन ए बराबर क्या होता है, हमने पिछली कक्षा में बताया, पिछले वीडियो में बताया था आपका कि होता है लंब बट्टा कर्ण। ठीक है, तो हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ये जो कोण है उसको हम यहाँ लिखते हैं ए, ये है बी, ये है सी। अब देखिए क्या है कि लंब का मान कितना है, 1 है, हमने क्या रख दिया 1, और कर्ण कितना है 11। क्लियर है। अब देखिए क्या है कि अब हमारे पास आधार नहीं है। हम पिछले वीडियो में इसका फार्मूला लिखवाए थे, आप नोट कर लीजिएगा पिछले वीडियो में जाके। आधार बराबर होता है अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो अंडर रूट कर्ण कितना है 11 है, तो 11 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 121। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, इसको हम अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं, तो 120 आता है। और 120 को अगर भी आप गुणनखंड विधि से करेंगे तो इसको अगर बाहर निकालेंगे तो आपका ये निकल के आता है 2√30। ठीक है, अब हमारा पूछ रहा है कि आप बताइए कि टैन ए, साइन ए और टैन ए का मान, सॉरी कॉस ए और टैन ए का मान। तो पहले कॉस से निकाल लेते हैं। कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है आपका, आधार आपका देखिए आधार ये रहा, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं आधार 2√30। तो हो जाएगा आधार 2√30 और कर्ण कितना है, कर्ण आपका ये रहा 11, तो 11। तो कॉस ए बराबर हो गया आपका 2√30/11। अब साइन हो गया, साइन तो दिया ही था, कॉस से हो गया, अब क्या है टैन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है, लंब देख लेते हैं, लंब कितना है 1 है और आधार कितना है 2√30। तो 2√30, तो ये आपका हो गया टैन ए। कंफर्म, तो यही आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो आप क्या करिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको क्वेश्चन नंबर 8 बताते हैं। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। तो ये बोला है कि कॉस बी बराबर 12/13। तो वैसे ही 3 में से 1 दिया है, यानी कॉस बी दिया है, तो हमें साइन बी और टैन बी ज्ञात करना है। तो वही हम पुराना क्या करेंगे, हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। जो ये कोण दिया रहे हम यहीं पर लिखते हैं बी, और ए सी हम कहीं भी लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा कॉस बी बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो आधार कितना दिया है 12, तो आधार ये रहा, तो आधार हो गया 12 और कर्ण कितना हो गया 13। तो हमारे पास क्या नहीं है, लंब नहीं है, तो हम लंब पहले फाइंड आउट कर लेते हैं। तो लंब इक्वल्स टू होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस
आधार का स्क्वायर, ठीक है। फिर क्या करेंगे हम, कर्ण कितना है, कर्ण ये रहा 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस आधार कितना है, 12 का स्क्वायर, ठीक है। तो 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144, तो ये घटाने में कितना आ रहा है, 25, ठीक है। और इसको जब बाहर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5, तो हमारा लंब कितना हो गया, 5, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या पूछा था हमारा, कि आपको कॉस भी दिया है तो साइन भी और टेन भी पता करना है, तो साइन भी बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है, लंब हमारा कितना है, 5 है, तो 5, और कर्ण कितना है, 13, तो हम लिख देते हैं 13। तो साइन बी बराबर 5/13, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं कि इसमें, तो देखिए साइन बी पता चल गया, अब हमें क्या करना है, टैन बी, टैन बी बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, लंब हम देख रहे हैं कि 5 है, तो हम 5 रखते हैं, और आधार कितना है, 12, तो हो गया 12। तो टैन बी बराबर हो गया हमारा 5/12, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, क्लियर। क्योंकि एक दिया है तो दो हमने क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। तो इसी में जगह बच रहा है तो हम क्वेश्चन नंबर 9वां भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है आपका, कि कॉस थीटा बराबर 2/5, कॉस थीटा बराबर 2/5। तो जब कॉस थीटा बराबर 2/5 है तो हमें अब क्या, साइन थीटा और टैन थीटा ज्ञात करना है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, एक त्रिभुज बनाना है, और वो भी क्या है, समकोण त्रिभुज। थीटा है यहाँ पे, तो यहाँ पर हम क्या बना लेंगे, थीटा, क्लियर। अब नाम हम दे सकते हैं इसको ए बी सी। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या दिया, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो आधार कितना है, 2 है, और कर्ण कितना है, 5। तो अब हमें क्या नहीं पता है, लंब नहीं पता है, तो हम क्या करते हैं कि लंब निकालते हैं। तो लंब बराबर फार्मूला होता है आपका, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो अब देखते हैं, अब कर्ण कितना है, कर्ण आपका कितना है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर, माइनस आधार कितना है, 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, तो 25 में से 4 गए, 21, तो ये हमारा क्या आ गया, लंब आ गया, क्या आ गया, लंब। तो हम लंब की जगह क्या लिख देंगे, 21, कितना क्लियर है। अब हमें कॉस थीटा दिया था, यानी कि हमें साइन थीटा और टैन थीटा पता करना है। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है, लंब हमारा अंडर रूट 21 है, और कर्ण कितना है, 5 है, तो हमें साइन थीटा ज्ञात हो गया। ऐसे ही हम ज्ञात करेंगे टैन थीटा, तो टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, ठीक है, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है, अंडर रूट में 21 है, और आधार कितना है, 2 है, तो टैन थीटा बराबर अंडर रूट 21/2, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और अब इसका क्या करिए, एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आपको क्वेश्चन नंबर 10 बताते हैं। ओके, तो अभी क्वेश्चन नंबर हम 10 बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, साइन ए बराबर 3/5,
तो आपको पता है साइन बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है। तो हम ये क्या बना लेते हैं, समकोण त्रिभुज। अब देखिए ए दिया है तो ए हम यहाँ रखेंगे और बी और सी, ठीक है। लंब कितना है? लंब हमारा है 3 और कर्ण कितना है? कर्ण हमारा है 4, ठीक है। हमारे पास आधार नहीं पता है तो हम आधार पता करते हैं। तो आधार का फॉर्मूला होता है आधार बराबर करड़ी में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है? 4 है, तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, हटाएंगे कितना आ जाएगा? अंडर रूट 7, ठीक है। तो हमारा आधार कितना हो गया? अंडर रूट 7, ठीक है। अब हमें क्या पता करना है, साइन ए तो दिया है तो हमें क्या पता करना है, कॉस ए और टेन ए। तो कॉस ए बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो आधार कितना है? अंडर रूट 7 और कर्ण कितना है हमारा? 4। तो हमारा कॉस ए बराबर हो गया अंडर रूट 7 बटे 4, क्लियर। अब यहीं हम लिख लेते हैं टैन, तो टैन ए बराबर, क्योंकि साइन दिया है कॉस पता कर चुके हम, टैन ए, तो टैन ए बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? लंब हमारा 3 है और आधार कितना है? करड़ी में 7 है, तो क्या हो जाएगा? करड़ी में 7, तो हो गया टैन ए बराबर लंब बटा आधार, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर, क्लियर है। तो इसी में हम क्वेश्चन नंबर 11 भी देख लेते हैं। 11 है आपका टैन सी बराबर 1/3, तो टैन सी बराबर 1/3, ठीक है। तो टैन बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार, ठीक है। तो हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ये C है इसलिए C हम यहाँ रखेंगे, A भी हम कहीं भी रख सकते हैं, क्लियर है। लंब कितना है? 1 है। आधार कितना है? 3 है। हमारे पास क्या नहीं है? कर्ण, तो हम कर्ण निकालते हैं, तो कर्ण बराबर होगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है। अब क्या है, लंब कितना है हमारा? 1 है, तो 1 का स्क्वायर, आधार कितना है? 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 का स्क्वायर 9, और इससे तो लिखेंगे क्या हो गया, करड़ी में 10। तो हमारा कर्ण कितना हो जाएगा? करड़ी में 10, ठीक है। अब देखिए टैन सी दिया है, ठीक है, तो इसमें हमें क्या पता करना है, साइन सी और कॉस सी। तो इसमें पता करना है साइन सी बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है? 1। कर्ण कितना है? करड़ी में 10। तो साइन सी बराबर हो गया 1/ करड़ी में 10। अब हमें कॉस सी पता करना है, कॉस सी बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है? आधार हमारा 3 है और कर्ण कितना है? अंडर रूट टेन। तो ये हो गया हमारा कॉस सी, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 12 आपका है टेन फाइव इक्वल्स टू टेन फाइव इक्वल टू 40/9, ठीक है। तो जस्ट इसी तरह लगेगा, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, यहाँ पे सी था वहाँ पे फाई है, तो
तो हम देख लेंगे टैन पहले ये हो क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, ठीक है। तो हम क्या बनाते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो यहाँ फाई है तो इसलिए हम इस जगह पे क्या लिखेंगे, फाई, बाकी ए बी सी हम लिख लेंगे, क्लियर है। अब देखते हैं लंब, लंब कितना है, लंब आपको दिख रहा है 40 है तो हम 40 लिख दिए। आधार कितना है, 9 है। हमारे पास क्या नहीं है, कर्ण, तो पहले हम कर्ण पता करते हैं। तो कर्ण बराबर फार्मूला होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, जस्ट इसी तरह क्वेश्चन नंबर 11 की तरह ही है। तो लंब कितना है, 40, तो 40 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है, 9 का स्क्वायर। 40 का स्क्वायर कितना होगा, 1600, 9 का 81, 1681, 1681 का वर्गमूल जो होता है वो होता है 41, कितना होता है 41। तो आपका करण बराबर कितना हो गया, 41 हो गया, ठीक है। अब हमें क्या पता करना है, टैन फाई है हमें पता, तो हमें साइन फाई और कॉस फाई पता करना है। तो साइन फाई क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना आप देखिए, अब देखिए कर्ण तो हम इतना क्या लिख देते हैं, 41, तो लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 40 और कर्ण कितना है 41, तो ये हो जाएगा साइन फाई बराबर कितना हो गया, 40/41। ये तो पहला आ गया। अब हमें ज्ञात करना है कॉस फाई, कॉस फाई बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, ठीक है। तो आधार कितना है, आधार हमारा 9 है और कर्ण कितना है 41, तो कॉस फाई बराबर हो गया 9/41, और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आपका क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 सब सामने है। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप इस, वैसे आप इसका क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। ओके स्टूडेंट, अब हम क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, साइन, यदि साइन थीटा बराबर 1/2 कर्ण 2 तो शेष 5 त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अभी देखिए क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 12 तक में यही पूछा था, कहा था कि एक अनुपात दिया है, 3 अनुपात ज्ञात करने थे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर एक अनुपात दिया है, बाकी 5 अनुपात ज्ञात करने हैं, तो यानी अगर साइन दिया है तो आपको कॉस ज्ञात करना है, टैन ज्ञात करना है, कॉट ज्ञात करना है, सेक ज्ञात करना है, कॉसेक ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं पहले, तो साइन थीटा बराबर दिया है, साइन थीटा बराबर 1/2 है, तो ऐसे साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है। तो हम एक क्या बनाते हैं, एक त्रिभुज बनाते हैं, और कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। ये क्या है, थीटा है, यहाँ पर हम नाम दे देते हैं ए बी और सी। लंब कितना है, 1, और कर्ण कितना है, कर्णी में 2। अब हमारे पास आधार नहीं है तो हम आधार ज्ञात करते हैं। तो आधार, आधार बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है, √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 ही आएगा, 2 में से 1 गया 1, और 1 को बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1। तो आधार आपका आ गया 1, यानी आधार जो क्या लिख सकते हैं, हम 1 लिख सकते हैं, क्लियर है। अब देखिए क्या है, क्या क्या बोला है कि साइन थीटा है, बाकी ज्ञात करने हैं। तो साइन थीटा दिया गया तो हम कॉस थीटा ज्ञात कर लेते हैं। कॉस थीटा क्या है, आधार बटे कर्ण। तो आधार अभी अभी हमने ज्ञात किया, आधार क्या है, 1 है, और कर्ण कितना है, कर्णी में 2। तो कॉस थीटा बराबर हो गया 1/कर्णी में 2। अब साइन तो दिया ही है, कॉस ज्ञात हुआ, अब टैन ज्ञात करते हैं। टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, ठीक है। तो लंब कितना है, 1 है, और आधार कितना है, आधार भी 1 ही है, तो
तो इसको अगर कैंसिल आउट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, एक। तो टैन थीटा बराबर कितना हो गया हमारा, एक हो गया। ठीक है, अब कॉट थीटा ज्ञात करते हैं। तो कॉट थीटा बराबर होता है आपका आधार बटे लंब। ठीक है, तो आधार बटे लंब, तो इसमें क्या है, ये आपका एक है। आधार बटे लंब जो है, सॉरी कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। तो आधार कितना है, आधार हम देखते हैं एक है, और लंब कितना है, एक है। तो फिर वही कैंसिल आउट हो गया, क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। तो कॉट थीटा बराबर क्या हो गया, एक आ गया। क्लियर। अब हमारे देखिए कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा आ गया, साइन थीटा तो दिया ही था, और हमारे पास सेक थीटा नहीं है और कॉसेक थीटा, उसको भी निकाल लेते हैं। तो सेक थीटा बराबर हमारा क्या होता है, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण कितना है, अंडर रूट टू, आधार कितना है, एक, अंडर रूट टू बाई एक। तो इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट टू। ठीक है, अब हम याद कर लेते हैं कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा लंब। तो कर्ण कितना है, कर्ण आपका है अंडर रूट टू, लंब कितना है, एक है। तो कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आ जाएगा, रूट टू। तो कोसेक थीटा बराबर हो गया आपका रूट टू। तो अगर आपको एक जगह सब आंसर लिखना है तो आप देखिए कॉस थीटा, कॉस थीटा है आपका एक बटा रूट टू। ठीक है, और टैन थीटा बराबर कितना है, एक है, और कॉट थीटा कितना है, एक है, और आपका सेक थीटा कितना है, रूट टू है, और कोसेक थीटा कितना है, ये भी है रूट टू। क्लियर है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और इसको आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम क्वेश्चन नंबर आपको 14 बताते हैं। ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या है, इसको हल करते हैं। लिखा है सेक थीटा बराबर रूट फाइव। ठीक है, तो इसके बटे हम एक लिख सकते हैं। ठीक है, तो सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार। ठीक है, अब इसको वही एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। तो ये क्या है, थीटा है, तो हम लिख देंगे थीटा, ये ए, ये बी, ये सी। ठीक है, तो कर्ण बराबर कितना है, रूट फाइव, आधार बराबर कितना है, एक। तुम्हारे पास लंब नहीं है तो लंब हम पता करते हैं, तो लंब बराबर होगा करड़ी में कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। क्लियर, तो कर्ण कितना है, करड़ी में पाँच का स्क्वायर माइनस एक का स्क्वायर। करड़ी में पाँच स्क्वायर पाँच माइनस एक कितना होगा, चार, बाहर आके हो गया दो, तो हो गया दो। क्लियर है, आपका लंब याद हो गया। अब पाँच त्रिकोणमितीय अनुपात, जब देखिए सेक दिया है तो हमें क्या क्या पता करना है, साइन थीटा पता करना है, कॉस थीटा पता करना है, टैन थीटा, कॉट थीटा, और सेक तो दिया है कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटी कर्ण। तो लंब कितना है, दो, कर्ण कितना है, करड़ी में पाँच। तो साइन थीटा बराबर कितना हो गया, दो करड़ी में पाँच। अब क्या हम निकालते हैं, कॉस थीटा। क्लियर, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण।
तो आधार कितना है हमारा, आधार एक है और कर्ण कितना है, करणी में पाँच, तो एक बटा करणी में पाँच, तो हो गया कॉस थीटा बराबर एक बटा करणी में पाँच। टैन थीटा बराबर क्या होता है, टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो लंब कितना है हमारा, दो है, आधार एक है, अगर इसे कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे क्या आ जाएगा, दो आ जाएगा, तो टैन थीटा बराबर क्या हो गया, दो। अब हम क्या ज्ञात करते हैं, कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, ठीक है। तो आधार क्या है हमारा, एक है, और लंब क्या है हमारा, दो है, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो गया, एक बटे दो। तो हमारा साइन कॉस टैन कॉट सेक दिया ही है, अब हमें ज्ञात करना है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर हमारा होता है कर्ण बटा लंब, कर्ण कितना है, कर्णी में पाँच, और लंब कितना है, दो, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका, कर्णी में पाँच बटे दो, ठीक है। तो आपको पाँचों अनुपात ज्ञात हो गए, एक दो तीन चार पाँच, अगर उसको एक जगह लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख दीजिए, साइन थीटा बराबर दो बटे करणी में पाँच, कॉस थीटा बराबर लिखना चाहते हैं तो एक बटे करणी में पाँच, और टेन थीटा बराबर लिखना चाहते हैं तो दो, और कॉट थीटा लिखना चाहते हैं तो एक बटा दो, और कोसेक थीटा लिखना चाहते हैं तो करणी में पाँच बटा दो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ओके। तो अब इसका स्क्रीनशॉट नोट कर लीजिए और फिर हम क्वेश्चन नंबर 15 बताते हैं। ओके, तो हम क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 दिया क्या है, कोसेक थीटा बराबर दो अंडर रूट तीन, ठीक है। अब कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, आपको पता है कि कर्ण बटा लंब होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते थे, सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं, ये थीटा है तो मैं आप क्या लिख दिए, थीटा लिख दिए, ए बी सी नाम दे देते हैं हम, ए बी सी, क्लियर है। अब कर्ण बराबर कितना है, दो है, तो कर्ण हमारा ये होता है दो, लंब हमारा करणी में तीन है तो हम क्या लिख देंगे, करणी में तीन। हमारे पास आधार नहीं है तो हमने आधार का फॉर्मूला पिछली वीडियो में बताया है, तो आधार बराबर होता है करणी में कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, तो कर्ण कितना है, दो है, तो दो का स्क्वायर, लंब कितना है, करणी में तीन का स्क्वायर, दो का स्क्वायर चार हो गया, चार में से तीन गए एक, और अंडर रूट एक को बाहर निकालेंगे तो एक ही आएगा, यानी कि हमारा आधार कितना हो गया, एक हो गया, क्लियर है। अब इसमें कहा है कि कोसेक थीटा बराबर दिया, शेष पाँच से पूर्णमिति अनुपात ज्ञात करना है, यानी कोसेक थीटा दिया है तो हमारे पास साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा कॉट थीटा और सेक थीटा पता करना है, तो हम वन बाय वन पता करते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या है, लंब कितना है करणी में तीन, और कर्ण कितना है, दो, तो साइन थीटा बराबर करणी में तीन बटा दो, क्लियर है। अब कॉस थीटा हम पता करते हैं, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है, आपको दिख रहा है एक है, कर्ण कितना है, दो है, तो हमारा कॉस थीटा भी ज्ञात हो गया, तो कॉस थीटा बराबर कितना हो गया, एक बटे दो। अब साइन और कॉस ज्ञात हो गया, अब टैन ज्ञात करते हैं, तो टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार,
अब लंब कितना है, कर्णिम 3, आधार कितना है 1। तो अगर डिनोमिनेटर में 1 होता है तो उसको हम चाहे कैंसिल आउट कर दे चाहे उसको हटा दे, उससे उसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो tan थीटा बराबर हम लिख सकते हैं करड़ी में 3। क्लियर। अब क्या याद करेंगे, cot थीटा। cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। अब आधार हम देखते हैं, आधार कितना है 1 है और लंब कितना है करड़ी में 3। तो cot थीटा बराबर हो गया 1/3। अब हम sec थीटा पता करते हैं, तो sec थीटा बराबर हमारा क्या होता है, कर्ण बटा आधार। क्लियर है। तो कर्ण कितना है 2 है, आधार 1 है। बस वही बताएं कि इसको चाहे 2/1 करिए चाहे 2 लिखिए, तो sec थीटा बराबर क्या हो गया करड़ी में 2। तो हमारा ज्ञात हो गया साइन कॉस टैन कॉट sec। और अगर इसे एक जगह पर लिखना चाहते हैं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर करड़ी में 3/2 और कॉस थीटा बराबर 1/2 और टैन थीटा बराबर करड़ी में 3 और कॉट थीटा बराबर 1/3 और sec थीटा बराबर 2। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन ज़्यादा हार्ड तो नहीं है, समझ में आया होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर क्वेश्चन नंबर 16 बताते हैं।